गौरव वल्लभ के साथ ऐसा क्या हुआ? सुबह 8:30 बजे छोड़ी कांग्रेस, दोपहर 1 बजे बीजेपी के हो गए। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो? टीवी डिबेट में संबित पात्रा से उलझने वाले गौरव वल्लभ को अचानक से संबित की बीजेपी पर इतना प्यार क्यों आया? जिस कांग्रेस ने गौरव को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, उसी गौरव को राहुल के सामने मोदी क्यों दिखने लगे करिश्माई? ऐसे ढेरों सवाल हैं। सवाल तो बनता ही है। कुछ दिन पहले तक यही गौरव वल्लभ मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को पानी पी पी कर कोसते थे। अब उसी बीजेपी के चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उन्हें करिश्माई व्यक्तित्व का अक्ष दिखने लगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उन्हें विलन की तरह दिखने लगे। तो ऐसा क्या हुआ जिससे गौरव वल्लभ के हृदय में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया? क्या ये उस हार की हताशा है जो कांग्रेस में रहते हुए उन्हें मिली? पहले जमशेदपुर से लोकसभा चुनाव हारे, फिर राजस्थान के उदयपुर से विधानसभा चुनाव हारे। कहीं गौरव वल्लभ को ये तो नहीं लगने लगा अगर लोकसभा के तक पहुंचना है तो बीजेपी के साथ होना ही होगा? क्या ये फूंक टीवी डिबेट में जिन संबित पात्रा से ये सवाल पूछा था 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, उन्होंने ही तो फूंक नहीं मारी? संबित पात्रा के साथ इस झड़प की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए गौरव वल्लभ ने कांग्रेस से इस्तीफा क्यों दिया। कांग्रेस के तेज तरार प्रवक्ता माने जाने वाले गौरव वल्लभ ने 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। पहले उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा इस्तीफे वाली चिट्ठी में कहा कि पार्टी में जिस तरह से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है वो सहज महसूस नहीं कर रहे, मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता हूं। इसके बाद दोपहर 1 बजे गौरव वल्लभ ने बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्हें बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। अब जबकि गौरव वल्लभ ने इस तरह के कदम को उठाया तो टीवी डिबेट का ये वीडियो वायरल होने लगा। जिस साल 2019 में बीजेपी के जाने माने प्रवक्ता संबित पात्रा से उनकी बहस हो गई थी, गौरव वल्लभ ने पूछा था कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। दरअसल एक न्यूज चैनल में संबित पात्रा आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार के कामकाज का बखान कर रहे थे। उन्होंने झारखंड में कहा, नरेंद्र मोदी ने सही कहा कि 70 वर्षों में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन तक पहुंची थी, लेकिन मात्र 5 साल में $1 ट्रिलियन जोड़कर एक बड़ा मुकाम हासिल किया। इसलिए यह संभव है कि आने वाले 5 सालों में $2 ट्रिलियन जोड़ेंगे। विश्व की बुलंदियों पर हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जरूर बनेंगी। इसके जवाब में गौरव वल्लभ ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे भाई को ये 5 का अंक बड़ा भाता है। 5 ट्रिलियन, 5 रुपये का पार्ले जी छीनो सभी से पहले। जो गरीब आदमी 5 रुपये का पार्ले जी खाता है वो छीनो पहले, फिर 5 ट्रिलियन की बात करो। ये 5 ट्रिलियन ऐसा है जैसे इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए सभी के खाते में आएंगे। संबित भैया, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना। इस पर संबित पात्रों ने कहा कि पहले ये राहुल गांधी से पूछ कर आओ। इसके जवाब में गौरव वल्लभ ने कहा कि इन्हें नहीं पता कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। बता दें तो मेरा चैलेंज है 5 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। इस पूरी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। बहरहाल पूर्व कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा था कि वो कांग्रेस पार्टी के अंदर सहज महसूस नहीं कर रहे। उन्होंने खुद को एक सनातनी और शिक्षक बताते हुए कहा था कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते और कांग्रेस पार्टी में नए विचारों के लिए अब जगह नहीं। राजस्थान के जोधपुर से नाता रखने वाले गौरव कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट थे और तभी से वाद विवाद में सबसे आगे थे। वो जमशेदपुर के XLRI कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे। गौरव की तर्क शक्ति और लोकप्रियता के चलते कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रवक्ता बना दिया। कांग्रेस प्रवक्ता बनने के बाद गौरव की लोकप्रियता और बढ़ी। गौरव वल्लभ अर्थशास्त्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों के लिए चंदा जुटाने का नया तरीका अपनाया। उन्होंने झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ अपना पहला चुनाव लड़ा था। इसमें क्राउड फंडिंग के जरिए उन्होंने चुनावी खर्च के लिए पैसा जुटाया था। अब लगभग सभी पार्टियां इसी तरीके का इस्तेमाल कर चंदा जुटा रही हैं।